नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके रेल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रेलवे में एक थोड़ा सा इन्वेस्ट अगर करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी कमाई हो सकती है और आपका कारोबार जो है काफ़ी फलेगा फूलेगा। इसमें पूंजी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये बिज़नेस बहुत छोटा है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इसमें हो जाएगा। ख़ासतौर से रेलवे में जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। दोस्तों आप मात्र 500 रुपए की छोटी रकम से भी ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मोदी गवर्नमेंट इसके लिए आपको एक तरह से सब्सिडी भी दे रही है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि जो हमारे देश है वहाँ पे लोग चाय के शौकीन बहुत हैं। रेलवे स्टेशन, बस डिपो, हवाई अड्डा, हर जगह लोग कुल्हड़ की चाय पीने की मांग करते हैं और कुल्हड़ थोड़ा सेफ भी होता है इस वजह से। तो कुल्हड़ बनाकर अगर बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कमाई हो सकती है। क्योंकि दोस्तों सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी जो है कुछ दिनों कहा था कि हम कुल्हड़ की जो है बढ़ावा देना चाहते हैं। उसकी वजह है कि प्लास्टिक और कागज़ की जो कप में चाय आती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है और उससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। ऐसे समय में आप ये मान के चलिए कि इन फ्यूचर आने वाले समय में कुल्हड़ की जो चाय है वो लोग ज़्यादा मिलेगी, कुल्हड़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। सरकार ने ये जो योजना शुरू की है कुल्हड़ सशक्तिकरण योजना लागू की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर में के कुम्हारों को बिजली से चलने वाली चौक दे रही है। छोटी सी चौक होती है दोस्तों, आप इससे कुल्हड़ समेत मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं और सरकार इन कुल्हड़ों को फिर अच्छी कीमत पर खरीद भी लेती है। बस आपको जो इन्वेस्ट करना होगा वो है 5000, मतलब 5000 रुपये पूरे इस सब्सिडी और इस सब चालू पूरे बिजनेस के लिए शुरू करना होगा। उसके बाद आपका बिजनेस चल जाएगा। सरकार जो दे रही है वो अभी तक 25000 इलेक्ट्रिक चाक जो है वो वितरित कर चुकी है सरकार और भी वितरित करने वाली है। कुल्हड़ पर्यावरण के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, नुकसान नहीं पहुँचाता है, इसलिए सरकार इसको और ज़्यादा प्रमोट कर रही है। अभी दोस्तों अब इसका अगर हम अर्थमेटिक समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जो चाय के कुल्हड़ की कीमत होती है वो 50 रुपया सैकड़ा, मतलब आप ये समझिए कि 100 कुल्हड़ जो है वो 50 रुपये की मिल जाती है आराम से। इसी प्रकार के जो लस्सी की कुल्हड़ होती है वो 150 रुपये सैकड़ा मिलती है। दूध की कुल्हड़ की कीमत ऐसे ही 150 रुपये सैकड़ा होती है और जो चाय की प्याली आती है वो 100 रुपये सैकड़ा चल रही है। और जान लीजिए दोस्तों कि जब इसकी मांग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मांग बढ़ने से इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। आज के समय में दोस्तों आपने देखा होगा जो अच्छी दुकानें हैं वहाँ पर जो कुल्हड़ की चाय मिलती है वो 15 से 20 रुपये के आसपास आती है। अगर बिजनेस को सही तरीके से चलाया जाए तो कुल्हड़ पर और ध्यान दिया जाए कुल्हड़ पे, तो एक दिन में आप ये समझिए दोस्तों कम से कम 1000 रुपये की आपकी बचत हो सकती है। कुल्हड़ में चाय अगर आप बेचना शुरू कर दें और खुद ही कुल्हड़ बनाने लगे तो 1000 रुपये की बचत होगी। तो आप दोस्तों सोचिए ऐसे में 30000 रुपये तो सीधे सीधे आपको मिलने लगे। इसके अलावा भी अगर ऊपर नीचे जोड़ दिया है तो ये काफ़ी अच्छा जो है बिज़नेस है। इसलिए दोस्तों अगर आप कुछ बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार ये कुल्हड़ वाली योजना पे ज़रूर विचार कीजिएगा और इसके बारे में पता कीजिएगा। मैं इसका एक लिंक शेयर कर देता हूँ अपने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपको वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो। दोस्तों यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो अपने दोस्तों में, लॉकडाउन के बाद चूँकि बहुत से लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, पैसे की काफ़ी तंगी है, तो अगर आप अपने दोस्तों परिचितों को शेयर करेंगे तो उससे ये होगा कि कोई ना कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है और उसे आगे बिजनेस करने में आसानी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन का बटन होता है उसे दबा दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। उससे क्या होगा दोस्तों कि आपको हमारे जो वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो आपको मिलता रहेगा और आप उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नया ज्ञान लेके। बाय बाय दोस्तों।